नमस्कार, कैसन बारे वाला लोग आज हुई सबकी अच्छा ही नहीं मैंने स्वस्थ हो ही। वेलकम टू माय चैनल श्वेता विभूति फूड एंड ब्लॉग। आज मैं लेके आई बिल्कुल सिंपल चना मसाले की रेसिपी। उसके लिए मैंने ये काबुली चना जो होता है, इसको छोले ही बोलते हैं, इसको 8 घंटे पानी में भिगो के रखा था और इसको अब हम बॉयल करेंगे। और बहुत ज़्यादा बॉयल नहीं करना है इसको, जैसे छोले हम आमतौर पर बनाते हैं ना सॉफ्ट करते, वैसा नहीं करना है। हाँ, बस हल्का सा कड़ा रखना है। तो प्रेशर कुकर में एकदम कम पानी में मैंने थोड़ी इमली डाली, हल्दी डाली, नमक डाली और इसको कलर देने के लिए हम इसमें चाय की पत्ती डालेंगे ताकि एक ब्लैक वाला कलर आए। चना मसाला चूँकि ब्लैक थोड़ा सा अच्छा लगता है तो चाय पत्ती मैं स्टेनर में डाल रही हूँ, ये मार्केट में मिल जाता है आसानी से। और इसको मैं ज़्यादा मतलब 80% कुक करूँगी। उसके बाद अब उसके लिए भी ये मसाले लहसुन है जिसको मैं तोड़ ले रही हूँ, क्रश कर ले रही हूँ और इसको पीस ले रही हूँ। साथ में अदरक भी ले लिया है, दोनों को अच्छे से मिक्स करके अच्छे से क्रश कर लूँगी। फिर प्याज है और प्याज को ना मैंने जैसे सलाद वाला गोल गोल प्याज कटता है ना वैसे ही काट रही, फिर इसके लच्छे निकाल लूँगी, वो सब्जी वाला प्याज नहीं। फिर मिर्ची को भी लंबे टुकड़े में काट लेंगे, टमाटर को भी लंबे लंबे काटेंगे। ये देखिए इस तरीके से अब चना हमारा हो चुका है, देखिए अच्छे से मतलब ज़्यादा बॉयल भी नहीं हुआ है और अच्छे से पक भी गया है। बस इतना ही हमें करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब इसके लिए मसाला हम तैयार करेंगे और देखिए पानी भी इसमें बहुत कम है। अब 1 चम्मच सरसों के तेल में मैंने मिर्ची का तड़का दिया, फिर प्याज डाल दिया अपना लच्छे वाला, टमाटर डाल दिया लंबे कटे हुए और इसको हमको भून कर हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, जलाना नहीं है। फिर वो अदरक लहसुन जो क्रश किया हुआ था उसको डाल दिया। देन ये मसाले नॉमिनल से हल्दी मिर्च नमक छोले मसाले और इसको अच्छे से भूनेंगे जब तक मसाले अच्छे से पक ना जाए। तेल तो बिल्कुल नहीं था तो ये नहीं बोलेंगे तेल सेपरेट हो, अगर आप चाहें तो तेल ज़्यादा डाल सकते हैं, बट मैंने तेल ज़्यादा नहीं डाला है। तो उसको बस इतना भूनेंगे जिससे अच्छी खुशबू आने लगी और इसमें धनिया पाउडर भी था। और अब जब मसाला भुन जाए तो हम इसमें अपने चने डाल देंगे और इसमें पानी हम नहीं ऐड करेंगे, जो जिसको पकाने के लिए इतना पानी हमने ऐड किया था ना चना उतना ही चाहिए बस हमें। उसके बाद इसको ढक करके हम पका लेंगे 5 मिनट धीमे आंच पे। और ये देखिए हमारा चना मसाला बिल्कुल रेडी है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। आप चाहें तो ऊपर से और भी चट मसाला वगैरह डाल सकते हैं बट मुझे ज़रूरत नहीं लगती। अब ये रेडी हो गया है और देखिए अच्छे से पक गया है और टूटे भी नहीं है। और अब इसको आप कोई चीज़ के साथ इंजॉय कीजिए, मैं तो इसको बिल्कुल ऐसे ही खाती हूँ। और छोले का तो कॉम्बिनेशन मेन होता है पूड़ी, तो आज मैंने बनाया है पूड़ी और इसको प्याज हल्के से लच्छा डाल करके इसको मैं आज पूड़ी के साथ खाऊंगी, ज़्यादा नहीं बस 2 खाऊंगी। कभी कभी तो खाने में कोई दिक्कत है नहीं। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इसको पूड़ी के साथ इंजॉय कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।